हेलो फ्रेंड्स सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी हम जेबी क्विज के काफ़ी क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। छोटी सी एक वीडियो है ये, 3 से 4 मिनट की, जिसमें कि आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस रोज सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही लास्ट क्वेश्चन रह गया था पिछली बार। CCOD NPA इफ़ नॉट रिन्यूड विद इन डैश डेज। तो ये मैंने एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स बनाया, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो पहले समझ लेंगे CCOD अकाउंट कौन सा होता है। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट, जो हम दुकानों को सीसी लिमिट्स वगैरह देते हैं ना, स्टॉक्स के अगेंस्ट एनपीए, सॉरी स्टॉक्स के अगेंस्ट जो लिमिट्स दी जाती है, जैसे कि मान लो उनके यहाँ स्टॉक्स है 5 लाख का, तो हम लोन उनको 10% कम देते हैं। तो उस तरह से जो लिमिट्स होती हैं, तो उनमें अगर पैसा आ नहीं रहा है, या फिर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं उन्होंने जमा कराई है कि उनके पास कितना स्टॉक है, तो वो उसकी वजह से जब एनपीए होगा, तो वो कितने दिन, अगर ज़्यादा होगा तो 180 डेज का। ये ध्यान रखना कि एनपीए 90 डेज का होता है, सीसीओडी लिमिट के केस में 180 डेज तक अगर क्लियर नहीं हुआ तो इट वुड बिकम अ एनपीए अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे से हम और क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक सेकंड, इन DAY या NRLM पंच सूत्र देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि पांच, एक लाइन में आपको 5 सूत्र दे देंगे, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से 5 सूत्र होते हैं, जो कि NRLM या फिर DAY, ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं ना, उसमें लेंडिंग वगैरह होती है वो सब, तो उसमें 5 सूत्र मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए वहाँ पे, रेगुलर सेविंग होनी चाहिए, बुक कीपिंग होनी चाहिए, लेंडिंग रिपेमेंट ग्रुप मेंबर्स के बीच में, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के 5 सूत्र कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चार्जेस आर टू बी रजिस्टर्ड इन सरसाई विद इन 30 डेज। आफ्टर क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मोर्टगेज। सरसाई आपको पता है कि जितने भी आपका लैंड के अगेंस्ट लोन देंगे, तो सरसाई में सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए, जैसे कि हाउस लोन वगैरह देते हैं तो सरसाई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो वो कितने दिन में हो जाना चाहिए, इक्विटेबल मोर्टगेज होने के 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे। मैक्सिमम फाइनेंस टू सोलर एनर्जी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर कितने करोड़ है पर प्रोजेक्ट और इंडिविजुअल। देखो, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आराम से, कि पर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में और पर इंडिविजुअल के केस में कितने कितने होंगे। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता, पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता, क्योंकि अगर आप कोल को जला के तब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो सोलर एनर्जी बहुत ही सेफ और पॉल्यूशन फ्री एनर्जी जनरेशन का सोर्स है। तो अगर आप एक प्रोजेक्ट लगाते हैं एज ए इंडिविजुअल है, तो आपको 10 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है मैक्सिमम फाइनेंस। और प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 15 करोड़ है, अगर इंडिविजुअल कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो 15 करोड़ तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बल्क डिपॉजिट किसे बोलते हैं। तो पहले ये था 1 करोड़, अब हो गया 2 करोड़। अगर आप 2 करोड़ रुपए जमा कराते हैं अपने FDR बना के बैंक में, तो उसको बोलेंगे बल्क डिपॉजिट, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो पैसे की वैल्यू बढ़ घटती जा रही है, तो इसलिए अब बल्क डिपॉजिट बोल दिया गया कि 2 करोड़ एंड अबव को बल्क डिपॉजिट कहा जाएगा। इसमें इंटरेस्ट रेट भी आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली ROI, तो ये 2.5%। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं, पहले भी हमने डिस्कस करा था कि ये एक पेपर फॉर्म में गोल्ड होता है, जैसे हम बाजार से गोल्ड खरीद के रखते हैं, तो उसमें भी थोड़ा टाइम बाद उसका रेट बढ़ जाता है, फिर हम उसको बेच सकते हैं। तो लेकिन ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होगा, ये पेपर के फॉर्म में होगा, तो इसमें जो है सेमी एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अभी आपको पता है कि FDRs वगैरह में बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुका है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। रिस्क वेट लोन अप टू 75 लाख इफ LTV इज अप टू 80%। 75 लाख का अगर लोन टू वैल्यू है, तो रिस्क वेट कितना हो जाएगा, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर्टगेज विल बी इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट। मोर्टगेज जो है किस डेट से इफेक्टिव होगी, तो वो होगी डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ मोर्टगेज, जब से आपने मोर्टगेज बनाई है तब से वो इफेक्टिव होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।